जी हाँ, आइए दोस्तों बात करते हैं आपके यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड का रिजल्ट किस डेट को जारी होने वाला है। और दोस्तों इसको लेकर हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने और हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कौन कौन से यहाँ पर बड़े फैसले और गाइडलाइंस को जारी किए हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि आपके यूपी बोर्ड का और आपके बिहार बोर्ड का रिजल्ट किस डेट को कन्फर्मली जारी होने वाला है। इसकी सभी जानकारी को आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों यह वीडियो तो मैं बनाने वाला था नहीं, लेकिन दोस्तों मुझे बहुत सारे यहाँ पर बच्चे ने कमेंट किए थे कि सर हमें यूपी बोर्ड और यहाँ पर बिहार बोर्ड के रिजल्ट के बारे में कुछ हमें नोटिफिकेशन और खबर के साथ यह जानकारी दीजिए कि हमारा यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड का रिजल्ट किस डेट को जारी होने वाला है। इसलिए दोस्तों मैं यह वीडियो स्पेशली डिमांड पर उन्हीं सभी छात्रों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने मुझे कमेंट में पूछा था। तो अगर आप भी यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो इस वीडियो को बिना भगाए एकदम बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी नैनी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए मैं सुजर सिंह बिना आपका समय गवा ले चलता हूं आपको आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स यहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 10th 12th रिजल्ट 2020 यूपी बोर्ड ने शुरू किया कापियों का मूल्यांकन, रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बात कुछ यूं है ना कि हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने पूरी तरह से यहाँ पर गाइडलाइंस को जारी कर दी हैं, जिसके तहत दोस्तों आपके यूपी बोर्ड के कापियों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है और दोस्तों लगभग आपके कापियों का मूल्यांकन हो चुका है और दोस्तों जल्द ही आपके यूपी बोर्ड का रिजल्ट आपके स्क्रीन पर देखने को आपको मिल जाएगा। तो आखिरकार इसके रिगार्डिंग क्या जानकारी दी गई है? और दोस्तों इसमें बताया गया है कि हमारे यूपी बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का काम शुरू कर चुका है और दोस्तों इसी कड़ी में यूपी के प्रयागराज में सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए सभी यहाँ पर छात्र कापियों का मूल्यांकन शुरू कर चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारी सरकार ने लॉकडाउन के तहत जितने भी आपके यूपी बोर्ड की कापियां हैं ना, उन सभी को यहाँ पर चेक करने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर मूल्यांकन काम शुरू कर चुके हैं और दोस्तों लगभग आपके यूपी बोर्ड के सभी कापियों का मूल्यांकन पूरा भी हो चुका है। और दोस्तों कल हमारे 19 मई 2020 को हमारे कुछ जिलों के कापियों का मूल्यांकन बाकी है, तो कल उसका मूल्यांकन पूरा हो जाएगा। और दोस्तों आखिरकार हमारे योगी सीएम ने पूरी तरह से यहाँ पर ऐलान जारी कर दिया कि आपके 25 मई को आपको यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों आपके लगभग यहाँ पर 25 और 30 के बीच में आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट आपके स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा और इसके लिए हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने पूरी तरह से यहाँ पर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। तो फ्रेंड्स ये तो थी आपके यूपी बोर्ड के रिकॉर्डिंग। अब दोस्तों बात करते हैं आपके बिहार बोर्ड का रिजल्ट किस डेट को आने वाला है, तो इसको लेकर हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कौन कौन से यहाँ पर बड़े फैसले और नए नियम को जारी किए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2020 38 जिलों के टॉपरों की कॉपी लाने जाएंगे बिहार बोर्ड कर्मी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बात कुछ यूं है ना कि हमारे बिहार बोर्ड के सभी कर्मचारी टापरों के जिलों में जाएंगे और दोस्तों वहाँ पर जितने भी यहाँ पर बोर्ड कर्मी है ना, उन सभी यहाँ पर टापरों के लिस्ट के नाम लेकर आएंगे। और दोस्तों इसके बारे में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन कौन से यहाँ पर नए नियम और बड़े फैसलों को जारी किए हैं, तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। और दोस्तों पिछले साल की तरह इस वर्ष की किसी भी यहाँ पर भूल से बचने के लिए बिहार बोर्ड ने हर जिले के टापर की कापियां मंगाकर उन्हें दोबारा से चेक करने का फैसला किया है। और दोस्तों इसके लिए हमारे राज्य के सभी यहाँ पर 38 जिलों के बोर्ड कर्मी भेजे जा रहे हैं, यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि हमारे बिहार राज्य के जितने भी यहाँ पर टापर स्टूडेंट हैं, उन सभी की कापियां फिर से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चेक करने के लिए ऐलान जारी कर दिए हैं। और दोस्तों जैसे ही आपके बिहार बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन दोबारा से हो जाएगा, वैसे ही आपके बिहार बोर्ड का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान जारी कर दिए हैं कि आपका बिहार बोर्ड का रिजल्ट 24 से आपके 26 मई के बीच में आपके बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इसको लेकर हमारे बिहार बोर्ड के जितने भी यहाँ पर कर्मचारी है ना, उस सभी यहाँ पर कापियों का मूल्यांकन बहुत ही यहाँ पर तेजी से कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आखिरकार आपके बिहार बोर्ड का रिजल्ट 24 से 26 मई के बीच में कब तक यहाँ पर जारी होता है। अगर दोस्तों इसके तरफ से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी खबर आएगी ना, तो मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर जरूर आपको जाहिर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपके यूपी बोर्ड का रिजल्ट और आपके बिहार बोर्ड का रिजल्ट जल्द ही आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स यही कुछ जानकारी थी, यही कुछ अपडेट थी जो कि अभी भी हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने और हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यही कुछ यहाँ पर बिहार बोर्ड और यहाँ पर यूपी बोर्ड के बारे में जानकारी दी थी, जो मैं आपको अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे वाईफाई ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट में, तब तक लीजिए जय हिंद।